बसमान रही टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट आज हम बात करेंगे कॉन्स का हमारे इस टॉपिक से क्या लिंकेज है हम लोग आपको स्टैट्स नहीं पढ़ाने लगे वी नो दैट यू हैव स्टार्टेड डिफरेंट एरियाज इन डिफरेंट करिकुलम्स यहाँ पे एक उसकी आपकी एप्लीकेशन आएगी एंड वी गोइंग टू सी सम कुछ बेसिक बातें भी आएंगी आई नो विच ये तो बड़ी बेसिक बात है बट वी वॉन्ट टू टेक यू टू द लेवल के उसको आप फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के साथ लिंक कर सकें गेयरअप कर सकें तो इट्स अबाउट क्वान्टिटेटिव कॉन्सेप्ट और उसके हमारी अपलिकेशन इम्प्लीकेशन रिस्क मैनेजमेंट के साथ कैसे है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट डाटा बिकॉज स्टार्ट का जो है यूजेज स्पेसिफिकली वेन वी हैव बिग डाटा वीर गोइंग टू वर्क विदिगर्स वीर गोइंग टू वर्क विद एस्टिमेट्स तो स्टेटिस्टिकल इम्प्लीकेशन उसमें बहुत ज़्यादा आती है तो फिर हमें यह भी देखना होता है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है वेयर इज़ द लोकेशन पार्क उसकी डिस्पर्शन क्या आ रही है रिस्क क्या है तो रिस्क के लिए जो है स्टैट्स के टूल्स फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं तो वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ देम और प्लस एज वी नो कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट पोर्टफोलियोज सो दैट्स मेनली टू डू विद फ्यूचर और फ्यूचर की वजह से हमें फिर फोरकास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है तो कास्टिंग इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग उस पर बेस करनी है और अनसर्टिनिटी के एलिमेंट बहुत है so to तो दैट्स वाई वी हैव टू टेक द स्टैटिस्टिकल लर्निंग एंड टूल्स टू अप्लाई इन आर डिसीजन मेकिंग तो हमारी डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प आउट करेंगे मैयर ऑफ सेंट्रल ये बड़ा बेसिक लेवल का टॉपिक है आई नो आप लोगों ने प्री स्टडी में भी इसको पढ़ा होगा बट एक टेक इट एज रिफ्रेश और रिमाइंडर और बेशक अगर आप अपना चाहें तो स्टार्ट की अपने पिछले एरिया थोड़ा सा रिकॉल भी रिवाइज भी कर लें ताकि यहाँ पे आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें मयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द वैल्यू दैट टेंकर तो इन देंटर दे अब ये सेंटर क्या है वो हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जिसके थ्रू हम देखेंगे बट वी गोइंट टू सी वेर द मेन मीट इज वेयर द मेन स्टॉफ इज तो हमें एनालिस्ट को उसकी सेंट्रल लोकेशन का नॉलेज जरूरी है ऑन दे आर मनी वेज वी कैन डू दैट स्टैंडर्ड वर्ड्स वी यू आर वेरी मच फेमिलियर इज मीन मीडियन मोड आई नो यू मे बी नोइंगट बट हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे अप्लाई करेंगे बिकॉज हमारी अब फाइनेंशियल प्रैक्टिस में इसकी यूटिलिटी काफी होगी और कई इसमें से मैथड किसी सिचुएशन में ज्यादा प्रेफर्ड है किसीचुएशन में दूसरा मैथड ज्यादा है तो वी शुड ऑल्सो भी फेमिलियर विद दैट ये एक नॉर्मल ग्राफिकल इम्प्लीकेशन है जो आपको दिखा रहा है कि तीन तरह के जो हैं ये कहाँ पे पार्क हो सकते हैं बट दिस इज जस्ट एन इलिस्ट्रेशन एंड वी कूड हैव एनी टाइप ऑफ द पैटर्न जो हमारे पास आ सकता है पॉपुलेशन मीन व्हेन वी हैव अ नोन नंबर ऑफ पॉपुलेशन और वो एक इतना है कि मैनेजेबल है तो वी टेक द मीन ऑफ द पॉपुलेशन वो सिंपल है जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन है डिवाइड बाय द नंबर यू कैन गेट द पॉपुलेशन मीन सिमिलरली वी कैन डू विद सैंपल अगर पूरी पॉपुलेशन का पॉसिबल नहीं है तो वी टेक अ सैंपल नंबर और वो उनके साम को हम डिवाइड करते हैं वो सैंपल के नंबर से समटाइम्स जब हम आगे जाके देखा था हमने स्टैंड एविएशन में तो एन माइनस वन करते हैं बट फॉर सिंपल मीन वी टेक इट एन द वैल्यू और यहाँ से इस तरह हमारा मीन कैलकुलेट हो जाता है पॉपुलेशन मीन बहुत अर्थमैटिक मीन्स अर्थमैटिक इन अम

बारह परसेंट तेरह साढ़े ग्यारह चौदह इस तरह ये सारे हमारे पास पैटर्न हैं हमें वो कह रहा है जी कि पॉपुलेशन मीन निकालें शुड नॉट बी अ डिफ़िकल्ट टास्क आप लोग जरा अपने माइंड में इसको अप्लाई करें देन वी हैव टू कंप्यूट सैम्पल मीन और उसने कहा कि हमें फर्स्ट सेवन ईयर का रिटर्न बता दिया और उसमें उसने कहा कि थर्टीन एलेवन और 14 की रेंज में हमारे पास ये रहा है तो नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू डू टू वी टेक सम ऑफ ऑल द वैल्यूज फॉर पॉपुलेशन मीन डिवाइड बाय द नंबर विच इज टेन सो वी गेट द मीन ऑफ थर्टीन पॉइंट फोर तो यह हमें बता दिया कि थर्टीन इसका मीन जो है थर्टीन पॉइंट फोर है इसी तरह अगर हम सैंपल की बात करें टो वी टेक द सम ऑफ द सैंपल्स एंड नंबर इज थ्री टो वी गेट द मीन फॉर द सैंपल सो दिस वे वी कैलकुलेट मीन फॉर आर डेटा तो ये अब हम अब देखें कि हम एग्जाम्पल्स फाइनेंशियल ले आएंगे ताकि वो आपके लिए एक थोड़ा सा लर्निंग का बेहतर हो जाए इसमें एक ईशू ये आता है डीमेरिट ये आता है कि ये अगर आउट लायर होते हैं उनको भी ये वही वेट दे रहा होता है और उसको इम्पैक्ट को कैप्चर नहीं कर रहा होता फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डाटा है वन थ्री फाइव फोर और एक नंबर है थर्टी फोर ये एक आउट लायर है बहुत बड़ा नंबर आ गया तो जब हमने मीन निकाला तो मीन उसने निकाल लिया नाइन पॉइंट फोर जो कि बड़ा हाई नंबर है और हमारे बाकी एक नंबर तो थर्टी फोर था लेके फाइव तक थी लेकिन उस एक की वजह से इसने बहुत उसको हाई कर दिया रिजल्ट तो ये इसका एक रिजल्टिट है स्पेसिफिकली ऑफ द अर्थमेटिक मीन इससे बेहतर जो इंप्रूव वर्जन आ जाता है दैट इज वेटेड वेट में ये होता है कि आप उसके वेट के अकॉर्डिंगली उस मीन को कैलकुलेट कर लेते हैं वो कोई एक आउट लायर उसको पूरे को डिस्टॉर्ट ना कर सके इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ थर्टी ऑर्डनरी शेयर थर्टी परसेंट ऑर्डनरी शेयर है हमारे पास पच्चीस परसेंट बिल्स हैं फोर्टी फाइव परसेंट प्रेफरेंस अब जितने परसेंट हमारे पास हैं इसका मतलब है उतना ही इनका वेट है तो वेट के अकॉर्डिंगली प्लस हमें फिर उनके रिटर्न दे दिए अगर हम सिंपल मीन लें तो वो इतना ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगा बट वी टेक वेट उस पोर्टफोलियो का वेट पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई बाय उसका रिटर्न इसी तरह पॉइंट टू फाइव इंटू रिटर्न एंड सिमिलरली सो वी गेट फाइव पॉइंट एट सो ये एक वेटेड मीन है जो कि वेट्स को कंसिडर करके ये कैप्चर कर रहा है थैंक यू